नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले तो टैक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो है मसाला बिज़नेस। अगर मैं कहूँ स्पाइस बिज़नेस के बारे में, आपके बारे सामने मैं लेके आया हूँ कंप्लीट डिटेल कि आप इसका बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको YouTube में मिल जाएंगी, ये वाला मसाला का बिज़नेस आप ऐसे कर सकते हैं, इसका आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली बताते हैं। और ऐसी ही वीडियो मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने इलायची के बारे में अलग से वीडियो बनाया है, काली मिर्च के बारे में अलग से वीडियो बनाया है, और अगला वीडियो भी आएगा जिसमें मैं सैफ्रॉन के बारे में बताने वाला हूँ कि उसका बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं इस बिज़नेस कर रहा हूँ, अगर मैं इलायची का बिज़नेस करना चाहता हूँ वो भी मसाला, या काली मिर्च का करूँगा वो भी मसाला, तो मैं क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जहाँ पे आपको पूरा ही समझाया जाए कि आपको बिज़नेस शुरू करना है तो ए पॉइंट से लेके जेड पॉइंट तक आपको कैसे वो चीज़ करनी है। क्योंकि मैं सब अगर मसाला बिज़नेस करूँगा तो मैं सारा ही करूँगा कि सिर्फ एक प्रोडक्ट करूँगा, तो इसीलिए मैं सोचा कि इंडिविजुअली सबको छोड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इंडिविजुअली हर मसाले के बारे में वीडियो बन सकती है, लेकिन मुझे वो लगा कि नहीं यार, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए, तो एक वीडियो बनाया जाए जहाँ पे आपको सब कुछ कंप्लीट पैकेज मिल जाए। लेकिन मैं सैफ्रॉन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सैफ्रॉन जो है थोड़ा सा प्रीमियम चीज़ आ जाती है और उसके बारे में आपको डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो वीडियो आएगा आगे, तो उसका वेट आप ज़रूर कीजिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा बिज़नेस प्लान है वो भी, तो बात करेंगे आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में आगे। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुँच जाए, ताकि वो भी कुछ छोटी मोटी या तो बड़ी अर्निंग कर सकें। तो चलेंगे टॉपिक के ऊपर। तो बात करूँ आज के टाइम पे 2020-21-22 मतलब आने वाले टाइम पे इस बिज़नेस की क्या डिमांड रहने वाली, तो सेम रहने वाली, हम लोग नहीं छोड़ने वाले, हम लोगों को मसाला चाहिए चाहिए, भले ही उसके बाद हमारी हालत कुछ भी हो जाए, मसालों के बिना हमारा खाना पचता ही नहीं है। और हम इंडियन हैं कितने आप जानते हैं, हमारी पॉपुलेशन कितनी और आने वाले टाइम पर कितनी होने वाली है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग तो इसका जायका लेंगे ही लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाला बहुत ही अच्छा ये बिज़नेस प्लान है। अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत कम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको तामझाम करना नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से मिनिमम दो मशीनें आप ले सकते हैं और उसके बाद आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना आएगा इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यार देखो, सबके ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऊपर। शायद आप 1 लाख अफोर्ड कर सकते हो, शायद आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कर सकते हो, लेकिन इस पैंडमिक के टाइम पे सजेशन मेरा यही है कि आप अपनी जेब देख लीजिए कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरे जो रिकमेंडेशन इस बिज़नेस के लिए 3-5 लाख आपके लगेंगे ही लगेंगे इनिशियली, या करें आपको ये बिज़नेस करना है सीरियसली तो। अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कम से कम जुगाड़ लगा के। ठीक है, दो मशीनें आपको ज़रूर चाहिए होंगी अगर आपको ये बिज़नेस शुरू करना है। पहली इंडस्ट्रियल ग्राइंडिंग मशीन जो मसाला वसाला पीसती है, दूसरा पैकेजिंग मशीन। जो ये दोनों मशीनें आपको 3 वेरिएशन मिल जाएंगी, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। तो प्राइस उसी हिसाब से है। प्राइस चेक करने के लिए आप इंडिया मार्ट के वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं ईजिली, आपके जो शहर होगा, जो सिटी होगी, उसके आसपास आपको इसके मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, जो आपको डील पसंद आती है उसको चूज़ कीजिए, मशीन लाइए और आराम से बिज़नेस कीजिए। मशीन घर लाने के बाद आपको कंपनी फॉर्म करनी है। कंपनी फॉर्म करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको GST नंबर चाहिए अपनी कंपनी का, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चाहिए जो आपकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद आपको ये खाने पीने की चीज़ है तो आपको FSSAI सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये सर्टिफिकेट जो है आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्लाई करना बहुत ईजी है। अपने लोकल जो है आप सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनके पास जाइए, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हम मेल आईडी हमारे नीचे है, हम बता देंगे आपको कितने प्राइसेस में या फिर कितने बजट में आपका ये हम लोग सर्टिफिकेट आपको दिला सकते हैं। ठीक है, ये रही कंपनी फॉर्म करने के बाद अपने घर से शुरू कर सकते हैं। ये सारी जो मशीनें हैं कंफर्म कर लीजिए, सिंगल फेस ही होती हैं, मतलब आपने घर के जो कनेक्शन है उससे भी एक मशीनें आराम से चला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा खेल दोस्तों ये, आपने मशीनें ले ली, आपने GST नंबर ले लिया, मतलब आपने कंपनी प्रॉपर फॉर्म कर ली। ठीक है, अब रॉ मटेरियल आप कहाँ से लाएंगे कि आपको चीज़ें सस्ती मिले, उसके बाद आप बेचें। रॉ मटेरियल जो चीज़ें हैं, अगर आप दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं तो पुरानी दिल्ली, खड़ी बावली,
है चांदनी चौक में ऐसा एरिया जहाँ पे एशिया के सबसे बड़ी मसाला मार्केट है, वहाँ पे ऐसा कोई मसाला नहीं होगा पूरी दुनिया में जो अवेलेबल मिलता हो और वहाँ ना मिलता हो। तो आप वहाँ से जाइए और वहाँ से होलसेलर के बहुत सारे होलसेलर हैं जो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्राइसेस में आपको चीज़ें अवेलेबल करा देंगे। तो आप वहाँ से ले सकते हैं और घर ला के, जैसे आप हल्दी होती है, हल्दी खड़ी आती है मतलब साबुत हल्दी आती है, तो उसे आप ग्राइंड करेंगे, उसके बाद उसकी पैकेजिंग करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आपको सारे मसाले करने, लाल मिर्च लाएंगे, लाल मिर्च पाउडर बनाएंगे, जो मसाले धनिया धनिया पाउडर बनाएंगे। यहाँ पे मैं साबुत मसाले और पिसे मसाले दोनों की बात कर रहा हूँ। आप कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा जो आपकी मशीन आप जिससे ले रहे हैं कि ये साबुत मसाले और पैकेजिंग मसाले जो पिसे हुए मसाले हैं, दोनों को पैक करेगा या नहीं करेगा। अगर दोनों चीज़ें पैक करने वाली है तो मशीन लीजिएगा, नहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि आपको साबुत मसाले या फिर पिसे हुए मसाले, क्योंकि दोनों मशीनें अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको? मेरे हिसाब से मार्केटिंग पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। सबसे अच्छा जो दिखेगा, सबसे अच्छा बिकेगा। आप MDH ले लीजिए, आप दूसरे मसाले कुछ ले लीजिए, उनके आप पैकेजिंग देखिए, मसालों की पैकेजिंग देखिए कितनी अच्छी है, ठीक है। तो आपको भी अगर 100 रुपये ज़्यादा देना पड़े, 1000 रुपये भी देना पड़े, लेकिन आप डिज़ाइन उसका पैकेज अच्छा कीजिए, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कीजिए और ट्रांसपेरेंट चीज़ें यूज़ कीजिए ताकि जो आपके मसाले की चीज़ें हैं वो बाहर अच्छे से देख सकें। और उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, आपको होलसेलर पकड़ने हैं अपने आसपास के, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो रिटेल शॉप में जाके चीज़ें देते हैं, उनसे कनेक्ट कीजिए। और नहीं तो आप सीधे डायरेक्टली भी रिटेलर्स के पास जाके आप बोल सकते हैं कि मेरा ये ब्रांड है और मैं इसको आपके दुकान पे बेचना चाहता हूँ, आपके साथ कमीशन के बारे में, जो प्राइस के बारे में, वो आप डील कर सकते हैं, ठीक है। मसाले कोई भी हाथों हाथ ले लेता है, ज़्यादा तामझाम नहीं होता, बहुत ही अच्छा बिजनेस ये है। अब आपको प्रॉफिट कितना रहने वाला है, देखिए साबुत मसाले 50-60% उसका प्रॉफिट रहता है, और अगर साबुत कर रहे हैं तो 80% तक का प्रॉफिट भी इसके अंदर रहता है, क्योंकि मसाले जो हैं जितना अच्छा क्वालिटी होगा, जितना अच्छा पिसा हुआ होगा, लोग जितना अच्छा पसंद करेंगे, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन जो मार्केट में जो पहले से जिन्होंने अपनी बना रखी है, तो उनको तो आप कम्पीट नहीं कर पाओगे, तो उनसे प्राइस थोड़ा कम रखिए, रीच अपनी बढ़ाइए, रिटेलर्स के पास जाइए, बिना शर्म की अपने चीज़ों को रखिए उनके सामने कि मैं ये है, और क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए दोस्तों। अगर आपने गद्दारी करी अपने बिजनेस के साथ, अपने साथ, तो आपको लोग नकार देंगे तुरंत के तुरंत। अगर आप बोलते हैं कि लाल मिर्च है शुद्ध, तो उस पर रंग लाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप क्वालिटी दे रहे हैं उसका ही पैसा लीजिए। हल्दी दे रहे हैं तो प्योर साबुत बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। अगर आपको लंबा प्लेयर रहना है इस बिज़नेस के अंदर, तो इस बिज़नेस के लाइफ में किसी भी को आप कुछ भी काम करें, तो अगर आप अपने आप से गद्दारी करेंगे, अपने काम से गद्दारी करेंगे, तो एक दिन आपको वो काम छोड़ना पड़ेगा या आपसे छुड़वा दिया जाएगा या आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे उस फील्ड के अंदर। तो उसमें बहुत ही अच्छा बिज़नेस प्लान है अगर आप ठीक तरीके से बिज़नेस करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर लिखिएगा। मेरा नाम है नरेन, मिलूंगा आपसे वीडियो में जिसमें बात कर रहे हैं किसी और बिज़नेस फ्रेंचाइजी के बारे में। देख रहे बोल रहे, धन्यवाद।